नमस्कार बच्चों, हम पढ़ेंगे पार्ट 5, माँ कहे कहानी। यहाँ राहुल जो है अपनी माता यशोधरा से एक कहानी कहने की चर्चा कर रहा है। तो यहाँ हमने यह कहानी पहले पढ़ी है, सिद्धार्थ की और देवदत्त की, है ना, जहाँ पे हंस को घायल कर दिया गया था। उन्होंने उस घायल हंस की क्या की थी, सेवा की थी। उसके बाद में वह कहाँ गए थे, राजा के पास, कि मारने वाला बड़ा होता है या बचाने वाला, ये हमने पढ़ा था ना। तो हम इस कहानी को फिर से कविता रूप में पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत कविता में गौतम बुद्ध के पुत्र सिद्धार्थ कौन थे, गौतम बुद्ध ही थे। उनका नाम जो था बचपन में सिद्धार्थ था, और वे बड़े होकर यानी तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। तो उनके पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा के बीच उनके बुद्ध के जीवन की घटना का वर्णन किया जा रहा है। कि कविता में राहुल जो है हट करके माँ से सिद्धार्थ और उनके भाई देवदत्त की कहानी सुनना चाहता है। दोनों भाई एक हंस को लेकर आपस में संघर्ष करते हैं। दोनों हंस पर अपना अपना अधिकार बता रहे थे। अंत में दोनों राजा के सामने अपना अपना पक्ष रखते हैं और राजा उचित न्याय देकर हंस सिद्धार्थ को दे देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मारने वाले से बड़ा कौन होता है, बचाने वाला होता है। अहिंसा का संदेश ही इस कविता का मूल भाव है। निरपराध को मारना न्यायोचित नहीं है। तो पढ़ते हैं यह कहानी। राहुल क्या कह रहा है, माँ कहे एक कहानी। माँ बोलती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। अब क्या कह रहा है, कहती है मुझसे ये चेटी, चेटी यानी उनकी यह कौन थी, दासी जो थी। वो कहती है कि तू कौन है, मेरी नानी की बेटी। माँ कह, माँ लेटी ही लेटी, कि माँ कोई बात नहीं, तुम मुझे क्या करो, लेटी ही लेटी कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, कि राजा था या रानी, किसी की कहानी तो तुम मुझे सुनाओ। माँ कहती है, तू है हटी बाल मंदे बाल धन मेरे, तू है हटी बाल धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। अब ये कहानी यहाँ से शुरू कर रही है कि सुन उपवन में बड़े सवेरे। उपवन क्या होता है, बगीचा। तार भ्रमण करते थे तेरे, यानी पिताजी तुम्हारे क्या करने गए थे, उपवन में भ्रमण करने गए थे। जहाँ सुर भी मनमानी, वहाँ का वातावरण कैसा था, सुगंधित, बड़ा प्रसन्न वातावरण था। जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। पुत्र कहता है, हाँ हाँ वही कहानी तुम मुझे सुनाओ। माँ कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। अब यहाँ किसका वर्णन किया जा रहा है, बगीचे में जब फूल खिले हैं उस पर उसकी जो बूंदे गिरी है उसका वर्णन कर रही है, और कह रही है हल्के हवा के झोंके से वहाँ पे जो तालाब था उसका पानी लहरा रहा था। पुत्र बोलता है, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, यही कहानी मुझे सुननी है। आगे गाते थे खक कल कल स्वर में, गाते थे खक कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरशर से। अब यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ पक्षी बड़े ही चहचहा रहे थे एक साथ, और अचानक से हंस जो था वह तीर से बिद्ध होकर यानी तीर से घायल होकर गिरा, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। तो यहाँ कह रहे हैं पक्ष यानी पंख की,
कि उसके पंख की हानि हुई। करुणा भरी कहानी। यहाँ पे राहुल कहता है हुई पक्ष की हानि, बड़ा दुख हुआ, करुणा भरी कहानी, ये करुणा भरी कहानी जानकर। अब अगली पंक्तियों में फिर से माता कहती है, किसने आगे क्या बोल रही है कि चौक उन्होंने उसे उठाया, चौक उन्होंने उसे उठाया, किसने उठाया, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी ने। नया जन्म सा उसने पाया, किसने पाया, हंस ने। जब सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस आया तो उसने क्या पाया, नया जन्म पाया। इतने में आंखें टकाया, जिसने उसे तीर मारा था वह वहां आ पहुंचा। लक्ष्य सिद्धि का मानी, वो बोलता है यह लक्ष्य मैंने सिद्ध किया है और वही इसी अभिमान में कहता है कि मैं इसका क्या हूँ, इसको पाने वाला हकदार हूँ। राहुल बोलता है लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। बोले अरे ये तो बड़ी कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, अगले उसमें माँ समझा रही है। फिर अगली कहानी क्या से शुरू हुई कि वह उसे मांगता है कि मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। कि मांगा उसने वह घायल पक्षी और तुम्हारे पिताजी उसके रक्षक थे, इसलिए उन्होंने उस पक्षी को नहीं दिया। तब उसने जो था खग पक्षी हट करने की ठानी, और वह क्या करने लगा, हट करने लगा कि नहीं यह मेरा ही पक्षी है, इसे मैंने मारने का प्रयास किया, इसलिए मेरा हक अधिक है, उसे कहेंगे भक्षक और सिद्धार्थ कौन थे, रक्षक। हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। अब जब हट किया, हट का परिणाम क्या हुआ, कहानी कहाँ जा पहुंची, राजा के दरबार में, और यह संघर्ष पहुंच गया राजा के समक्ष। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। अब यहाँ विवाद किस विवाद क्या होता है, उसमें दोनों में तर्क वितर्क होने लगा। सदैव मतलब जिसके मन में दया हो, और निर्दय होता है जिसमें दया ना हो। उभय आग्रही थे स्व विषय में, अपने अपने विषय को वह प्रस्तुत कर रहे थे, किसके समक्ष, राजा के समक्ष। गई बात अब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, और वहाँ उपस्थित लोगों ने राजा के दरबार में सब यह जान गए। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल ने इस बात को समझ लिया और वो बोलने लगा, तो सबने सुन ली, और ये तो पूरे में ही यह कहानी विस्तृत रूप से सुनी गई, तो ये क्या हो गई, पूरी कहानी फैल गई। राहुल तो निर्णय कर इसका। अब माता जो है यहाँ उसे संदेश दे रही है कि इस बात को समझ के तुम क्या बताओगे, कि राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कि तुम इस न्याय में किसका पक्ष लेना चाहोगे, कि तुम्हारे पिता यानी तात जो थे वह सही थे, या जो जिसने उस शिकारी ने जो पक्षी को मारा था वह सही था। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। वह अपने आप को छोटा मानकर कह रहा है कि मैं क्या बोलूं, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अनुसेना उभारे। तो यहाँ कह रहे कोई निरपराधी को मारेगा तो उसे उभारने का प्रयास करना चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक जो है भक्षक को क्या करे, न्याय समझाए और दया समझाए। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। यहाँ कह रहे हैं कि न्याय को जब तूने दया के रूप में स्वीकार किया, तुमने ये माना कि दया करना सबसे बड़ा धर्म है, तो तूने इस कहानी को आत्मसात कर लिया, तूने इस कहानी का मर्म जान लिया। ये कह रहे हैं कि तुम ही उतने ही गुणवान बन गए। इसी तरह से दया का और अहिंसा का पाठ सदा ही अपने जीवन में उतार के रखना। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने यह कविता लिखी है, और इस कहानी में जो कहानी कविताबद्ध लिखी गई है उसमें अहिंसा
प्रेम और न्याय का संदेश दिया है। शब्दार्थ हम शेष जो है कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।